आरजे पल्लवी पॉडकास्ट के सारी कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, और सुनते रहिए हमारे साथ आज पंडित अरुण कुमार शर्मा जी की लिखी हुई एक सत्य घटना पर आधारित एक कहानी, दीपावली की वो रहस्यमयी रात। दोस्तों, अगर इसी तरह की आप लोगों को कहानी सुनना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं आज की पंडित अरुण कुमार शर्मा जी की लिखी हुई सत्य घटना पर आधारित कहानी, दीपावली की वो रहस्यमयी रात। सन 1949 ईसाई, अक्टूबर का सेहरन भरा महीना और दीपावली का दिन, मेरी तांत्रिक साधना का विशेष पर्व। काशी में कई शक्तिपीठ है, जिनमें देवनाथपुरा का शिवशवा, पंचकोट की शमशान काली और दुर्गा कुंड की दुर्गाजी तंत्र की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। हर वर्ष के भांति दीपावली के दिन जब मैं शिव शिवा के और शमशान काली का दर्शन पूजन आदि करने के पश्चात जब दुर्गा कुंड पहुंचा, उस समय सांझ की स्याहे काली माँ बिखर चुकी थी वातावरण में। मैंने विधिवत दुर्गा जी का दर्शन पूजन किया और मंदिर के बाहर निकल आया। उन दिनों मंदिर के पीछे आम, पाकर, पीपल और बरगद कई घने पेड़ थे और चारों ओर हमेशा छाया रहता था सन्नाटा। मंदिर के सामने घना जंगल था जो संकट मोचन तक फैला हुआ था, जिसके बीच से एक संकरी पगडंडी सांप की तरह बलखाती चली गई थी नरिया और सुंदरपुर गांव की ओर। न जाने क्यों और किस प्रेरणा के वशीभूत होकर चल पड़ा मैं उसी पगडंडी पर। जितना बढ़ता उतना ही और आगे जाने की इच्छा होती। घने ऊंचे ऊंचे पेड़ पौधे, ऊंची झाड़ियां और उन झाड़ियों के घने झुरमुट, पक्षियों की चहचहाट, बंदरों की चिकचिक और गिलहरियों की विचित्र आवाज के साथ पेड़ों की डालियों की पत्तियों की सरसराहट परिचित से लगे मुझे। पहली बार जाना हुआ था मेरा उस ओर, लेकिन ऐसा लगता था कि भली भांति परिचित हूँ मैं वहाँ के जंगली वातावरणों से। विचित्र सी उदासी थी वहाँ और थी वातावरण में गहरी निस्तब्धता। सांझ की स्याही थोड़ा और गहरी गई थी। अब ना बंदरों, गिलहरियों और पक्षियों की आवाजें सुनाई दे रही और ना तो पेड़ों की पत्तियों की सरसराहट। लगा जैसे वातावरण जड़ीभूत हो गया हो। एक हल्की सी सुगंध वातावरण में व्याप्त थी। वो कैसी सुगंध थी समझ में नहीं आई मेरी। हल्की ठंडक सी लगने लगी मुझे। जल्दी से चलता हुआ घने जंगलों से निकलने का प्रयास करता हुआ आगे बढ़ रहा था मैं, और तभी सामने एक खुला स्थान दिखलाई दिया मुझे। जंगल में वो खुला स्थान हरी हरी घासों से भरा था और जिसके चारों ओर ऊंचे ऊंचे घने वृक्ष हवा में झूम रहे थे। मैदान बड़ा ही रमणीय और मनोहारी लगा मुझे। थोड़ा आगे बढ़ने पर एक छोटा सा मंदिर दिखलाई दिया। मंदिर काफी पुराना और जीर्ण शीर्ण था। आगे टूटी फूटी दो सीढ़ियां थी। मंदिर के सामने लकड़ी का एक कुंदा गड़ा था जमीन में, जिस पर सिंदूर पुता हुआ था। वहां पहुंचने पर वो रहस्यमय विचित्र सुगंध और तेज हो गई थी। वो सुगंध किधर से आ रही थी समझ ना सका मैं। संभवतः मैं दूसरी दिशा में निकल आया था। ये बात बड़ी विचित्र सी लग रही थी कि ये जंगल इतना विस्तृत कैसे हो गया। अब मैं मंदिर के सामने आ गया था। मंदिर किसका है और कौन देवता उसमें स्थापित है, ये जानना चाहा मैंने। चारों तरफ गहरी नीरवता थी। आसपास कोई नहीं दिखलाई दिया मुझे। मंदिर का टूटा दरवाजा खुला हुआ था। भीतर हल्का सा प्रकाश था। निश्चय ही मंदिर के भीतर से वो विचित्र सुगंध बाहर आकर फैल रही थी चारों तरफ। वो प्रकाश निश्चय ही मंदिर में जल रहे दीपक का था, इसमें संदेह नहीं। बाहर कोई पुजारी मिला नहीं, शायद भीतर हो वो मंदिर के। मंदिर के भीतर जाने की इच्छा हुई।
फिर सोचा कहीं अनाधिकार चेष्टा ना हो, और मुझे लगा जैसे मेरा नाम लेकर पुकारा हो किसी ने। चौंक पड़ा मैं, संभवतः मेरा भ्रम रहा हो। यहाँ इस वीरान सुनसान स्थान में और इस सर्वथा अपरिचित मंदिर के बाहर भला कौन मेरा नाम लेकर पुकार सकता है मुझे, और यहाँ कोई और है भी तो नहीं। आवाज़ जब सुनी मैंने तो वो चारों ओर से आती हुई लगी थी मुझे। सिर घुमाकर इधर उधर देखा, कहीं कोई नहीं। थोड़ी दूर पर पेड़ों की पत्तियां अवश्य हिल रही थी। अब तक सांझ की स्याहे कालिमा रात्रि के गहन अंधकार में बदल चुकी थी। अब मेरे भीतर भय का संचार होने लगा था। सोचने लगा क्या करूं, कहां जाऊं, अंधेरे में रास्ता मिलेगा कहां, संभवतः मंदिर में कोई हो। दीप तो वहां प्रकाशित है ही, किसी भी व्यक्ति से मिलने को उत्सुक था मैं उस समय। दुर्गा मंदिर से किस दिशा में आ गया हूं ये मालूम करना था मुझे। सहमते हुए धीरे से मंदिर के भीतर झांका। झांकते ही जिस पर मेरी दृष्टि पड़ी वो थी माँ महामाया भगवती काली की विशाल मूर्ति। मूर्ति काले चमकीले पत्थर की थी और थी काफी पुरानी। माँ महामाया के रक्ताप नेत्रों में करुणा दया अनुकंपा का मिला जुला भाव स्पष्ट झलक रहा था, लेकिन उसमें थोड़ा क्रोध का भी भाव था। गले में नरमुंडों की माला झूल रही थी जो बिल्कुल सजीव सी लग रही थी। माँ की बाहर निकली हुई जीभ पर लगा शोणित देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो अभी अभी किसी नर पशु का रक्त पान किया हो उन्होंने। बाएं हाथ में ऊपर की ओर तने हुए विकराल खड़ग और नीचे के हाथ में झूलता हुआ नर पशु का रक्त रंजित मुंड देखकर जहां भय और आतंक का संचार होना स्वाभाविक था, वहीं मन में शक्ति सुख और आनंद के अतिरिक्त अभय की अनुभूति का होना भी स्वाभाविक था। वरद और अभय हस्त देखकर माँ का पंचमुंडी आसन पर अट्टहास करती हुई सिवारूढ़ा महामाया तंत्र की महाशक्ति महाकाली का रूप अति सजीव प्रतीत हो रहा था। सामने हवन कुंड था जिसमें से धूम्र की पतली रेखाएं निकलकर मंदिर के वातावरण में चारों ओर फैल रही थी। हवन कुंड के बगल में गजाधर पर चौमुखा दीप जल रहा था जिसके हल्के प्रकाश में माँ की मुखाकृति और अधिक लग रही थी भयानक। अब तक मंदिर के भीतर प्रविष्ट हो चुका था मैं, जो कुछ देखना शेष था वो भी अब स्पष्ट हो गया था मेरे सामने। बाई ओर की मटमैली दीवार के सहारे काफी लंबा चौड़ा भयंकर खड़क लटक रहा था जिस पर लगे खून सूख कर काले पड़ गए थे। एक बड़ी सी थाली में नारियल माला जवा पुष्प कपूर और सिंदूर रखा हुआ था। मंदिर के भीतर का वातावरण निश्चय ही भयप्रद और रहस्यमय था, इसमें संदेह नहीं। सिर झुकाकर माँ महामाया को प्रणाम किया मैंने दोनों हाथ जोड़कर, और तभी किसी ने गंभीर आवाज में मेरा नाम लेकर पुकारा, बेटा अरुण कुमार। मुझे लगा मूर्ति बोली है, चौंक कर माँ का मुंह देखने लगा मैं। तभी बगल से आवाज आई, इधर देखो मैं यहां हूं। अब मेरा ध्यान उधर गया। दाहिनी ओर मंदिर के कोने में कोई बैठा हुआ था, उस पर दीपक का मटमैला हल्का प्रकाश पड़ रहा था। उसी हल्के प्रकाश में ध्यान से आंखें गड़ा कर देखा मैंने। व्याघ्र चर्म के आसन पर एक साधु पद्मासन की मुद्रा में तन कर बैठा हुआ था। उसके सिर पर लंबी जटाएं थी, शरीर पर लाल वस्त्र था, रंग सांवला था, मस्तक पर लाल सिंदूर का गोल टीका था, गले में रुद्राक्ष स्फटिक और हड्डी के टुकड़ों के मालाएं झूल रही थी। आंखें गुलर की तरह लाल और बाहर की ओर निकली हुई थी। थोड़ा भय लगा, समझते देर ना लगी, वो साधु निश्चय ही कापालिक मार्गीय तंत्र साधक था।
इसमें संदेह नहीं। मैंने थोड़ा आगे बढ़कर साधु को प्रणाम किया और मुझे हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया उसने। फिर कहा, बैठो बेटा। मैंने चकित होकर पूछा, महाराज आप क्या यहाँ के पुजारी हैं? आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? साधु हो होकर हंसा और सामने रखे नर कपाल को उठाकर मुंह से लगा लिया उसने। निश्चय ही उसमें मदिरा भरी थी, जिसे गट गट कर पी गया एक ही सांस में वो। मदिरा पान करने के बाद उल्टे हाथ से मुंह पोछते हुए गंभीर किंतु विचित्र स्वर में बोला वो, अरुण कुमार, कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं मैं यहां इस मंदिर में। आज के लिए ही तुम्हें आना था, भला तुम्हें मैं नहीं जानूंगा। मुझे लगा साधु पर दारू का नशा अधिक चढ़ गया है। ऐसे पाखंडी लोग ऐसी बातें करते हैं जिससे साधारण लोग तुरंत हो जाते हैं प्रभावित। मैंने भर्राए स्वर में कहा, महाराज मैं तो दुर्गा जी का दर्शन करने आया था, आप? हाँ हाँ बेटे, मुझे सब कुछ ज्ञात है, कई दिनों से तुम्हारी राह देख रहा हूं मैं। वो भयंकर लगने वाला साधु अपने स्थान से उठ खड़ा हुआ और माँ काली को प्रणाम कर मंदिर के बाहर निकल आया और बोला, मेरे साथ आओ बेटे, घबराओ मत, माँ तुम्हारा कल्याण करेगी। मैं सचमुच घबरा गया था। पूछा, महाराज मुझे तो इस जंगल से निकलने का रास्ता मालूम करना है, भटक गया हूँ मैं प्रभु। भटके कहाँ हो, जिस स्थान पर तुम्हें आना था वहां तो आ चुके हो तुम। साधु उसी स्वर में हंसा हो होकर, दुर्गा मंदिर जाना तो एक निमित्त मात्र है, तुमको तो यहीं आना था। आज अमावस्या है और है दीपावली की महानिशा बेला। सोचा कि संकट में आ फंसा हूं मैं, घर पर लोग इंतजार कर रहे होंगे, पत्नी घबरा रही होगी कि कहां चला गया मैं, वो भला क्या जानती होगी कि किसी पागल तांत्रिक के चक्कर में मैं फंस गया हूं। बड़ी सोचनीय स्थिति में मेरी उस समय जमीन में अंदर तक धंसे लकड़ी के कुंदे पर दीपक जल रहा था, कौन जला गया था ये जान न सका। आया था तो दीपक नहीं था कुंदे पर, दीपक का प्रकाश अनुमान से अधिक था, जिसके प्रकाश में साधु को अच्छी तरह से देखा मैंने। 6 फुट लंबा, पुष्ट शक्तिशाली शरीर, गहरा सांवला रंग, बाल कंधों तक बिखरे हुए, पहले से अधिक भयभीत हो उठा मैं। गंभीर स्वर में साधु बोला, मेरे साथ आओ। मैं विवशता का अनुभव करने लगा था, लेकिन उसके व्यक्तित्व में कुछ ऐसा आकर्षण था कि उसकी आज्ञा को टाल न सका मैं। मंदिर का इलाका पार कर साधु एक बड़े से बरगद के पेड़ के पास आया। पेड़ के नीचे पत्थर का एक चबूतरा था, उसी चबूतरे पर बैठते हुए उसने गंभीर स्वर में उसी चबूतरे पर बैठने का आदेश दिया मुझे। हिचकिचाते हुए बैठ गया मैं और फिर अनुनय भरे स्वर में मैं बोला, महाराज मुझे जरा जल्दी है, घर में मेरी पत्नी है, त्योहार का दिन है, मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी वो। उसने जैसे मेरी बात सुनी ही नहीं, गंभीर स्वर में बोला, तुम काली के उपासक हो ना, तुमको दीवान आनंद नारायण ने भेजा है, उनसे कब मिले थे तुम? ये सुनकर एक बारगी मेरा सिर चकरा गया, हकलाते हुए बोला, महाराज मैं काली का उपासक अवश्य हूँ, लेकिन किसी दीवान आनंद नारायण को मैं नहीं जानता। साधु क्षुब्ध हो गया, कर्कश स्वर में बोला, काशीराज के दीवान आनंद नारायण को तुम नहीं जानते? महाराज आप नाराज मत होइए, ये बतलाइए कि आप किन काशीराज की बात कर रहे हैं, बनारस में तो किसी राजा का शासन नहीं है,
अपना हाथ चबूतरे पर पटकते हुए साधु बोला, अरे मूर्ख, मैं महाराज चेत सिंह की बात कर रहा हूँ। चेत सिंह? राजा चेत सिंह? हाँ हाँ, आपने ठीक कहा। काशी का राजवंश जब वारेन हेस्टिंग्स ने चेत सिंह पर 5 लाख का जुर्माना किया था और महल की तलाशी ली थी, इतना ही नहीं रानियों का अपमान भी किया था उसने। परिणाम ये हुआ कि काशी की जनता एक बार की भड़क उठी और राइस गुंडों ने संभाल ली थी अपनी लाठियाँ। वारेन हेस्टिंग्स को जान बचाकर काशी से भागना पड़ा। इतिहास का ये अत्यंत महत्वपूर्ण पृष्ठ समझा जाता है। मन ही मन सोचने लगा, ये भयानक तांत्रिक राजा चेत सिंह के समय की बातें क्यों कर रहा है? लगता है जैसे उसी जमाने में हो और जी रहा हो उसी काल में वो। मैंने कहा, महाराज, राजा चेत सिंह से भली भांति परिचित हूँ मैं, लेकिन ये तो काफ़ी पुरानी बात है और है एक ऐतिहासिक घटना काशी की। अरे दुष्ट, ये तू क्या कह रहा है? तांत्रिक ने झल्ला कर कहा, महाराज चेत सिंह को तो ग्वालियर गए अभी कुछ ही साल हुए हैं। अभी उनके वंश का एक युवक गद्दी पर विराजमान है। अंग्रेजों के उनके आगे कुछ ना चली और तू कहता है इतिहास की बात। वो विकट तांत्रिक कुछ पागल सा लगा मुझे। जरा कड़े स्वर में मैंने कहा, महाराज क्षमा करें, अब तो अंग्रेज भी अपने देश चले गए। अब अपने देश में अपना राज है, यानी प्रजातंत्र। राजा नहीं है कोई, राष्ट्रपति ही सब कुछ है। क्या आप दीर्घकाल तक समाधि लगाए रहे? मुझे यही एक कारण लग रहा था। अच्छा, ये बतलाओ, ये कौन सा सन है? ये तो सन 1949 ईसाई है। असत्य है, गलत बतला रहे हो। ये सन 1318 ईसाई है। तांत्रिक जोर से हंसा और फिर बोला, तुम भी ठीक कहते हो, अब बात स्पष्ट हो गई। तुम जिस काल में हो वो 1949 ईसाई का काल है। समझे वत्स, तुम मां महामाया की प्रेरणा से यहां से काल में उपस्थित हो। निश्चय ही साधना सफल होगी, इसमें संदेह नहीं। मेरा चकराना आवश्यक था। धीरे से पूछा, कैसी साधना? क्या कह रहे हैं महाराज आप? ठीक कह रहा हूं, ये है राजा चेत सिंह के समय का शासन काल, 1313 ईसाई। सर जान सोर अभी गवर्नर है। राजा चेत सिंह के समय जो दीवान था वो आनंद नारायण ही है। अभी भी दीवानी संभाल रहा है, वो मेरा परम शिष्य है। तुम आश्चर्यचकित क्यों हो बेटे? ध्यान से सुनो और समझो। सन 1330 ईसाई में त्रिकाल सिद्धि के लिए कठोर तांत्रिक साधना माँ काली के प्रमुख प्रारंभ की मैंने। कृपया मुझे ये बतलाइए महाराज, ये त्रिकाल सिद्धि क्या होती है? बड़े ही जड़ युवक हो, तंत्र की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण सिद्धि है ये। त्रिकाल सिद्धि होने पर साधक इच्छा अनुसार शरीर, भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों में से किसी भी काल में प्रवेश कर सकता है। वह हजारों वर्ष पीछे अतीत में जा सकता है और इसी प्रकार भविष्य में भी। त्रेता, द्वापर आदि किसी भी युग में पदार्पण कर सकता है वो। मुझे तो ये सब असंभव सा प्रतीत होता है महाराज। मेरी बात सुनकर वो भयंकर तांत्रिक खूब जोर से हंसा, फिर बोला, जिसे तुम लोग असंभव समझते हो और जिसे वैज्ञानिक समझते हैं कल्पना, उसे हमारे देश के सिद्ध साधकों ने कभी का योग और तंत्र बल से सिद्ध कर रखा है। रही मेरी बात, मैंने भी घोर योग तांत्रिक साधना की और अपनी साधना को सफल बनाने के लिए प्रारंभ में मैंने नरबलि भी दी। नरबलि? यह सुनकर मेरा घबराना स्वाभाविक था। हाँ, योग तांत्रिक साधना भूमि में एक ऐसी अवस्था आती है जब महामाया पराशक्ति के सम्मुख नरबलि देना आवश्यक हो जाता है। उसे जो
पुण्य लाभ होता है वो साधक के लिए आगे के साधना मार्ग में सहायक सिद्ध होता है। ये पुण्य लाभ क्या है? मनुष्य के लिए मोक्ष एक परम पुरुषार्थ है और ये है चरम उपलब्धि, जो जन्म जन्मांतर की कठोर साधना के बाद ही संभव है। मनुष्य प्रकृति के अधीन है, वो स्वयं उसका शरीर और उसका संपूर्ण जीवन, इसलिए तंत्र की भाषा में प्रकृति के अधीन मनुष्य को पशु कहते हैं। थोड़ा रुक, तांत्रिक आगे बोला, तुम मूर्ख हो फिर भी तुम्हें समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तंत्र का ये गूढ़ विषय है। मनुष्य का शरीर दो भागों में विभक्त है। पहला भाग ज्ञान खंड है और दूसरा भाग है कर्म खंड। गर्दन का ऊपरी भाग ज्ञान खंड है, इसीलिए कि सभी ज्ञान इंद्रियों उसी खंड में हैं। गर्दन के नीचे का भाग कर्म खंड है। हाथ पैर आदि के मंद्रिया कर्म खंड के अंतर्गत है। गूढ़ और गोपनीय तांत्रिक क्रियाओं द्वारा नर पशु के बलि देने पर ज्ञान खंड और कर्म खंड दोनों अलग हो जाते हैं। बिना ज्ञान के कर्म व्यर्थ है, किंतु बिना कर्म के ज्ञान अपने आप में अपना अस्तित्व बनाए रखता है। उसका अस्तित्व बड़ा ही मूल्यवान और महत्वपूर्ण है। वह मुक्ति अथवा मोक्ष का साधन भी है। डरबली होने पर नरपशु उसी ज्ञान की सहायता से बिना जन्म जन्मांतर की साधना के दुर्लभ मोक्ष को उपलब्ध हो जाता है। एक मनुष्य को नरबली द्वारा जीव भाव से मुक्त कराकर मोक्ष प्राप्ति कराना बहुत बड़ा पुण्य है, और वही पुण्य मैं करने जा रहा हूँ इस महानिशा बेला में, ताकि मेरा साधना मार्ग प्रशस्त हो। नरबली और उससे संबंधित रहस्यमय तांत्रिक बातें सुनकर रोमांच हो आया मुझे। भय से कांपने लगा मैं। साधु आगे कहने लगा, सर्वप्रथम मैंने 20 साल कठोर तांत्रिक साधना की। 21वें साल मैंने नरबली देकर माँ को प्रसन्न किया और मुझे सन 1390 में भूतकाल की सिद्धि प्राप्त हुई, जिसके फलस्वरूप मैं सैकड़ों वर्ष पूर्व अतीत में प्रवेश कर सका था। उसके बाद भविष्य काल के लिए मैंने पुनः कठोर तांत्रिक साधना प्रारंभ की और सपन में मुझे महामाया ने बतलाया कि सन 1393 में सफल होगी मेरी साधना। साधना में सफलता के बाद बलि के लिए नर पशु मेरे पास स्वयं चलकर आएगा और वो नर पशु 200 वर्ष पूर्व के भविष्य के समय का होगा। उसकी बलि देकर मुझे भविष्य काल की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी और जिसके फल स्वरूप मैं सैकड़ों हजारों वर्ष आगे भविष्य में प्रवेश कर सकूंगा। बलि देकर? भयग्रस्त होकर बोला मैं। चुप मूर्ख, तांत्रिक ने डांटा और अपनी लंबी लंबी जटाओं को छटकारते हुए बोला, मैं अब तक नरबलि के लिए किसी योग्य व्यक्ति की प्रतीक्षा करता रहा और मेरी प्रतीक्षा सफल हुई। मैं समझा नहीं महाराज, तांत्रिक हंसा। ठीक 200 वर्ष भविष्य से निकलकर आ गए तुम मेरे पास, इसे मैं माँ की कृपा ही समझूंगा। महाराज निश्चय ही नशे के कारण बेकाबू हो गए हैं, आप क्या बोलते जा रहे हैं स्वयं आप नहीं जानते। अपने स्थान से उठते हुए आगे मैं बोला, आप तो सन 1949 में हैं, आपके 200 वर्ष वाली बात पूरी तरह बिल्कुल गलत है। गलत कहता है? तांत्रिक एक बारगी भड़क उठा, बोला, अरे जड़ तू नहीं समझता, जब मैं तेरी बलि दूंगा तब। मेरी बलि? उछल कर खड़ा हो गया मैं और तेजी से भागा अंधेरे में। एक और कठोर स्वर में तांत्रिक ने पुकारा, कहां जाता है मूर्ख, ठहर वहीं। मेरे पैर जैसे जड़ हो गए, पीछे घूमकर देखने का साहस मुझे नहीं हो रहा था। बहुत चेष्टा करने के बाद भी वहां से भाग न सका मैं। लगा जैसे दोनों पैर जमीन से चिपक गए हों। धीरे धीरे चलकर वो तांत्रिक मेरे पास आया। मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कटु स्वर में बोला, बता अरुण कुमार, तू व्रत क्यों घबरा रहा है? तुम्हारा यहाँ आना और मेरे पुण्य लाभ के लिए माँ के सामने बलि चढ़ना तो नियति ने पहले से ही निश्चित कर रखा था।
विधाता का इसी अमीट लेख समझो तुम। बलि के रूप में अपने को माँ के सामने अर्पित कर तुम दिव्य लोक के अधिकारी बन जाओगे, ये तेरा सौभाग्य है। ये सुनकर मेरी मानसिक स्थिति क्या हुई होगी इसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। बस समझ लीजिए, मुझे लगा किसी भी क्षण बेहोश हो जाऊंगा मैं, बलि चढ़ूंगा, मेरा सिर धड़ से अलग हो जाएगा, ये कापालिक साधु मेरी बलि देगा। मेरी नेत्रों के सामने मंदिर की दीवार पर टंगा विशाल खड़ग घूम गया एक बार की। साधु ने लपक कर मेरी कलाई पकड़ी और मुझे बलि के बकरे की तरह निर्दयता पूर्वक खींचता हुआ उसी पेड़ के नीचे ले आया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मुझे अपनी कलाई की हड्डी कड़कती सी लगी। पेड़ के पीछे घनी झाड़ियां थी और उन्हीं झाड़ियों के बीच एक झोपड़ी थी। अभी तक मेरा ध्यान उधर नहीं गया था। साधु ने उसी झोपड़ी की ओर मुंह करके जोर से पुकारा, भैरवी, ओ भैरवी, आओ इधर। तांत्रिक की आवाज सुनकर झोपड़ी के भीतर से एक युवती निकलकर आती हुई दिखाई दी मुझे। उसके हाथ में मोटी रस्सी का बड़ा सा बंडल था। साधु और वो युवती दोनों ने मिलकर पहले मेरे दोनों हाथों को पीछे करके बांधा और फिर पैर से सटाकर उसके मोटे तने से कसकर बांध दिया। अब पैर में बंधा विवश खड़ा रहा मैं, कर ही क्या सकता था। कापालिक साधु और युवती दोनों ने पत्थर के चबूतरे पर बैठकर नर कपाल में शराब डालकर पी एक साथ और आपस में कुछ बातें की जिसे समझ ना सका मैं। कुछ क्षण बाद वो तांत्रिक साधु झूमता हुआ मेरे करीब आया और लड़खड़ाते स्वर में कहने लगा, वत्स, तुम्हें अभी बांध देना उचित है और आवश्यक भी, अन्यथा तुम भागने की मूर्खतापूर्ण चेष्टा कर सकते हो। तुम शांत रहो, यह आवश्यक है तुम्हारे कल्याण के लिए। कराल वदना में मां काली के सम्मुख महानिशा के बलि में दी जाएगी तुम्हारी बलि। फिर पलट कर सामने खड़ी उस युवती से कड़कते स्वर में उसने कहा, इसे कारण वड़ी दे दो ताकि ये अपने आप में लीन रहे। मैं विवश था, लाचार था, बस उन दोनों को देख रहा था टुकुर टुकुर। युवती बहुत सुंदर थी, आयु यही रही होगी 16-17 के आसपास। गोरा रंग, घने काले बाल पीठ पर बिखरे हुए थे, बड़ी बड़ी चीता जैसी गहरी नीली आंखें, रक्ताभ होंठ, ऊंचा चौड़ा माथा जिस पर सिंदूर की लाल बिंदिया झिलमिला रही थी ध्रुव तारे की तरह, हाथ में लाल चूड़िया और सांक की वलय, सुडोल मांसल देह जिस पर लिपटी हुई थी लाल रंग की रेशमी साड़ी, एक पीले रंग का दुपट्टा कमर और वक्ष के समेटे हुए था जिससे वक्ष और उभर कर सामने आ गया था छिपने के बजाय। सब कुछ मिलाकर वो युवती किसी देव कन्या सी लगी मुझे। हेलो दोस्तों, अभी तक आप लोग सुन रहे थे आरजे पल्लवी पॉडकास्ट में पंडित अरुण कुमार शर्मा जी की लिखी हुई सत्य घटना पर आधारित एक कहानी, दीपावली की वो रहस्यमयी रात। दोस्तों, ये घटना या कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की और भी अगर घटना सुननी है और इसके आगे वाली कहानी भी अगर आप लोगों को सुननी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए, बाय।